गाइस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर गेम है ना वो है पबजी, और उनके अलावा काफी सारे गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी, बट पबजी अभी टैड में चल रहा है और उन्हें खेलने के लिए चाहिए हमें काफी अच्छी स्मार्टफोन जिसमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस हो, काफी अच्छी बैटरी हो और काफी अच्छी रैम स्टोरेज हो, वो भी मिड रेंज के प्राइस में यानी कि 10 के अंदर में। तो डोंट वरी, इस वीडियो में टॉप 5 बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन लेके आया हूँ जिसका बजट 10 के अंदर में है। और गाइस उनके अलावा आपको सारा चीज बेस्ट ही देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ज्यादा करके जो फोकस किया गया है इसकी परफॉर्मेंस, इसकी बैटरी और इसकी रैम स्टोरेज। यहाँ पर आपको रियर कैमरा, सेल्फी कैमरा और डिस्प्ले भी काफी अच्छी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ज्यादा करके जो फोकस किया गया है इसकी परफॉर्मेंस का और इसकी रैम स्टोरेज, इसकी बैटरी का। अगर आपको खरीदना है 10 के अंदर में एक अच्छी गेमिंग स्मार्टफोन तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और गाइस वीडियो पसंद आने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा और प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 5 पे आता है Xiaomi की तरफ से Redmi Note 7S। यहाँ पर आपको Qualcomm का प्रोसेसर मिलता है, Qualcomm Snapdragon 660 का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर दे रखा है जिसमें आपको 4GB का रैम मिलेगा, 64GB का स्टोरेज मिलेगा, अलग से 512GB एडी कार्ड यूज कर सकते हैं और लंबे समय तक खेलने के लिए यहाँ पर आपको 4MAH की बैटरी भी दे रखा है। और उसके अलावा वहाँ पर आपको काफी अच्छी डिस्प्ले भी दे रखा है, यहाँ पर आपको 6.3 इंच का फुल HD IPS LCD डिस्प्ले दे रखा है। रियर में आपको डुअल रियर कैमरा है 48MP प्लस 5MP और सेल्फी कैमरा है 13MP। अगर बात करें इस फोन की प्राइस का तो 4+64GB स्टोरेज के साथ प्राइस है 9999। तो अकॉर्डिंग 10 के रेंज में काफी बेस्ट फोन है, यहाँ पर आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रखा है, रैम स्टोरेज भी काफी बेस्ट है और लंबी समय तक खेलने के लिए यहाँ पर आपको 4MAH की बैटरी, डिस्प्ले भी आपको काफी अच्छी मिल जाता है। डिस्प्ले के मामले में आपको किसी तरह के नॉइज देखने के लिए नहीं मिलेगा। रियर कैमरा जो है तो वो बहुत ही अच्छी है, डुअल रियर कैमरा है, 13MP का भी सेल्फी कैमरा है। तो मेरे ख्याल से इस प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छी फोन है। अगर आप पबजी जैसे गेम को खेलना चाहते हो तो HD प्लस हाई में नहीं खेल सकते, यहाँ पर HD प्लस नॉर्मल में खेल सकते हैं, बिल्कुल आपको नॉइज देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऊपर वाले को आपको HD में रखना है और नीचे वाले को नॉर्मल में, तो बिल्कुल आपको नॉइज देखने के लिए नहीं मिलेगा। डोंट वरी, अगर आपको ये फोन पसंद नहीं आते तो कोई बात नहीं है, अभी 4 फोन रखा हुआ है, अभी काफी अच्छी अच्छी फोन आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। तो नंबर 4 पे आता है Realme की तरफ से Realme 3 Pro। यहाँ भी आपको Qualcomm का प्रोसेसर दे रखा है, Qualcomm Snapdragon 710 का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर जो कि 2.2 GHz पे क्लॉक है, 4GB का रैम है, 64GB का स्टोरेज है, अलग से 256GB एडी कार्ड यूज कर सकते हैं और लंबी समय तक खेलने के लिए यहाँ पर आपको 4045mAh की बैटरी। उनके अलावा आपको यहाँ पर डिस्प्ले भी काफी अच्छी है, 6.3 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, डुअल रियर कैमरा है 16MP प्लस 5MP और सेल्फी कैमरा है 25MP। अगर बात करें इस फोन की प्राइस का तो 4+64GB स्टोरेज के साथ प्राइस है 9999 और 6+64GB स्टोरेज के साथ प्राइस है 10999। तो अकॉर्डिंग 10 के रेंज में काफी बेस्ट फोन है। यहाँ पर खास बात यह है कि यहाँ पर आपको 710 का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर दे रखा है जो कि 2.2 GHz पे क्लॉक है, लंबी बैटरी बैकअप है, यहाँ पर आपको रैम स्टोरेज भी काफी अच्छी है, डिस्प्ले भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है, डुअल रियर कैमरा है, सेल्फी कैमरा 25MP। तो मेरे ख्याल से 10 के रेंज में काफी बेस्ट फोन है। अगर आप पबजी से गेम को, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम को HD ग्राफिक में खेलना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको किसी भी तरह के नॉइज देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो ग्राफिक सेटिंग है यहाँ पर आपको HD में रखना है और नीचे वाले को हाई में रखेंगे तो बिल्कुल आपको किसी भी तरह के नॉइज देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी प्रोसेस है, 710 का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है। तो मेरे ख्याल से इस प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छी परफॉर्मेंस है और यहाँ पर आपको रैम स्टोरेज भी काफी अच्छी तरह का, लंबी डिस्प्ले है और काफी अच्छी आपको बैटरी बैकअप भी मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से 10 के रेंज में काफी बेस्ट फोन है। ये फोन आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा और अमेजोन पे भी मिल जाएगा, अगर आपको परचेज करना है तो नीचे लिंक मिल जाएगा। नंबर 3 पे आता है ओनर की तरफ से ओनर 20i। यहाँ पर आपको Kirin का प्रोसेसर मिलता है, Kirin 710 का ऑक्टा कोर का प्रोसेसर दे रखा है जो कि 2.2 GHz पे क्लॉक है, 4GB का रैम है, 128GB का स्टोरेज है, बैटरी है 3400mAh की बैटरी है और उनके अलावा यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी काफी अच्छे है, 6.21 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, ट्रिपल रियर कैमरा है 24MP प्लस 2MP प्लस 8MP और सेल्फी कैमरा है 32MP। अकॉर्डिंग अगर बात करें इस फोन की प्राइस का तो 4+128GB स्टोरेज के साथ प्राइस है 9999। तो 10 के रेंज में काफी बेस्ट फोन है। खास बात यह है कि यहाँ पर आपको 4GB का रैम मिलता है, 128GB का स्टोरेज मिलता है, वो भी 10 के अंदर में, परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी तरह का है, किसी भी गेम को HD ग्राफिक में खेल सकते हैं, बिल्कुल आपको किसी भी तरह का नॉइज देखने के लिए नहीं मिलेगा। डिस्प्ले के मामले में भी आपको किसी भी तरह का नॉइज देखने के लिए नहीं मिलेगा, बहुत ही अच्छी डिस्प्ले है और यहाँ पर आपको 32MP का फ्रंट कैमरा मिल जाता है, A1 ट्रिपल कैमरा। तो मेरे ख्याल से इस प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छी फोन है। ये फोन आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे मिल जाएगा, अगर आपको बाय करना है तो नीचे लिंक मिल जाएगा।
नंबर टू पे आता है लैनोवो की तरफ से लैनोवो K10 और यहाँ पर आपको क्वालकॉम का प्रोसेसर देखा है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 का ऑक्टाकोर का प्रोसेसर जो कि 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पीक क्लॉक है, 4GB का रैम है, 64GB का स्टोरेज है, अलग से 256GB एडी कार्ड यूज कर सकते हैं, डिस्प्ले है 6.3 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, A1 ट्रिपल कैमरा है 16MP प्लस 5MP प्लस 8MP और सेल्फी कैमरा है 16MP और लंबे समय खेलने के लिए यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप भी काफी अच्छी है, 4050mAh की बैटरी है। अगर बात करें इस फोन की प्राइस का तो 4+64GB स्टोरेज के साथ प्राइस है 8999। तो 9000 की रेंज में काफी बेस्ट फोन है। यहाँ पर आपको 710 का ऑक्टाकोर का प्रोसेसर देखा है जो कि बहुत ही पावरफुल चिपसेट है। उनके अलावा यहाँ पर आपको 4GB का रैम है, 64GB का स्टोरेज है। खास बात यह है कि यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी काफी अच्छी देखा है, लंबी समय खेलने के लिए यार आपको 4035mAh की बैटरी। तो मेरे ख्याल से इस प्राइस के अकॉर्डिंग काफी बेस्ट फोन है। यहाँ पर आपको A1 ट्रिपल कैमरा भी मिल जाता है तो काफी बेस्ट फोन है। मैं कहूंगा इस प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छी फोन है। अगर पबजी से गेम को HD ग्राफिक में अच्छी ग्राफिक में खेलना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको किसी तरह के 9 से देखने के लिए नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से 9000 की रेंज में काफी बेस्ट फोन है। ये फोन आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे मिल जाएगा। अगर आपको बाय करना है तो नीचे लिंक मिल जाएगा। अब जो नंबर 1 पे आता है वो है रियलमी की तरफ से रियलमी C3। रिसेंटली कुछ ही समय पहले इंडिया में लॉन्च हुआ है। यहाँ पर आपको MediaTek का प्रोसेसर दे रखा है, MediaTek Helio G70 का प्रोसेसर है, 3GB का रैम है, 32GB का स्टोरेज है, अलग से 256GB एडी कार्ड यूज कर सकते हैं, डिस्प्ले है 6.52 इंच का HD डिस्प्ले जो वाकई में काफी अच्छी है और लंबी समय गेमिंग खेले के। यहाँ पर आपको 5000mAh की बैटरी है जो काफी लंबी बैटरी बैकअप है, डुअल रियर कैमरा है 12MP प्लस 2MP और सेल्फी कैमरा है 5MP। अगर बात करें इस फोन की प्राइस का तो 3+32GB स्टोरेज के प्राइस है 6999 और 4+64GB स्टोरेज के प्राइस है 7999। तो 7000 की रेंज में काफी बेस्ट फोन है। मेरे ख्याल से इस प्राइस के अकॉर्डिंग आपको काफी अच्छी स्पेक के साथ देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। ये जो प्रोसेसर है काफी अच्छी प्रोसेसर है, किसी भी गेम को काफी हाई ग्राफिक में खेल सकते हैं, बिल्कुल आपको किसी भी तरह के नॉइज देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कितने भी अच्छी ग्राफिक में खेले तो किसी भी तरह का आपको नॉइज देखने के लिए नहीं मिलेगा। रैम स्टोरेज भी काफी अच्छी है, बैटरी आपको काफी लंबी बैटरी है 5000mAh की बैटरी। तो मेरे ख्याल से गेमिंग के लिए ये काफी बेस्ट फोन है। 7000 की रेंज के अकॉर्डिंग आपको काफी अच्छी स्पेक के साथ देखने के लिए मिल जाता है। ये फोन आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। अगर आपको बाय करना है तो नीचे लिंक मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि पांचों डिवाइस में सबसे बेस्ट डिवाइस कौन सा है, गेमिंग के लिए पांचों डिवाइस में सबसे बेस्ट डिवाइस कौन सा होगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा होनर का 20i और रियलमी का C3। ये फोन मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि बजट रेंज में काफी बेस्ट फोन है। बट आपको कौन सा फोन पसंद आया प्लीज हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो होनर का 20i और रियलमी C3 काफी बेस्ट लगा। यहाँ पर आपको पांचों ही फोन काफी बेस्ट है लेकिन मुझे जो फोन लगा बहुत ही अच्छा है होनर 20i और रियलमी C3 बाकी में काफी अच्छी है। लेकिन आपको कौन सा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो चलेगा तो यार लाइक करो, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।